रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। साजिश रची, युवक को बुलाया, बात नहीं मानी तो कर दी हत्या, दो युवतियों समेत पांच गिरफ्तार। बाड़मेर, बाड़मेर के मेकरनवाला हत्याकांड में बाड़मेर पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए मामले में दो युवतियों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। वही मामले में बाड़मेर पुलिस सोशल साइट्स पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख दिखाया है। बाड़मेर पुलिस ने मामले में बताया कि मृतक खेताराम को साजिश पूर्वक बुलाकर उसको पीट पीट कर घायल किया गया, उसके बाद उसका गला घोंट कर उसको मार दिया गया। मामले में बाड़मेर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त अमरुद्दीन निहाली के साथ साथ तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस में इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी अमरुद्दीन को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया, जिसके बाद मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव है। वहीं अलवर में रकबर की घटना के बाद देश में एक तरफ तो मॉब लिंचिंग को लेकर संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान सरहद पर बसे बाड़मेर के एक सरहदी गांव में एक दलित युवक की हत्या के बाद सोशल साइट्स पर चल रही अफवाहों और मॉब लिंचिंग की बातों पर अब बाड़मेर पुलिस अपने कदम सख्ती से बढ़ाती नजर आएगी। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक रामेश्वर मेघवाल के मुताबिक इस मामले में कोई भी मोबाइल लिंचिंग नहीं है और न ही हिंदू मुस्लिम के विवाद का मामला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस पूर्ण रूप से गंभीरता से प्रयास करके आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। वहीं इधर भरतपुर में स्थित नारी निकेतन से दो युवतियां फरार। भरतपुर में स्थित नारी निकेतन से बीती रात दो युवतियां फरार हो गई। आज सवेरे जब वे अपने कमरे में नहीं मिली तो हल्ला मच गया, उसके बाद नारी निकेतन के अफसर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मिली जानकारी के अनुसार सेवर थाना इलाके में स्थित राजकीय बालिका सुधार गृह की दीवार फांद कर बीती रात करीब 12 बजे के बाद दो युवतियां फरार हो गई। नारी निकेतन में रात के समय दो कर्मचारियों का पहरा भी रहता है, लेकिन दोनों को ही इस बारे पता तक नहीं चला। बीती रात खाना खाने के बाद सभी युवतियां जब सो गई उसके बाद दोनों फरार हुई। फिलहाल उनके रिश्तेदारों और संभावित ठिकानों पर दोनों की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि इसी महीने भरतपुर में बाल सुधार गृह से एक साथ 12 बच्चे भाग गए थे। कुछ को पुलिस ने दबोच लिया था और कुछ को उनके ही परिजन वापस बाल सुधार गृह में छोड़ गए थे। कुछ की तलाश अभी भी जारी है।